स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ चोर 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 यानी हमारे नवनीत पाठक भाई, नवनीत पाठक को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे पड़ोसी ही हैं, पड़ोसी से थोड़े से दूर फाउंडर नगर में रहते हैं, हम रहते हैं टेढ़ी बाजार से थोड़ी सी आगे। तो उनको देखेंगे और देखेंगे मेघा को, क्योंकि वो आजकल चोर बन चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उन पर कुछ भी कंटेंट नहीं बचा है, केवल चोरी करेंगे या किसी को टोपी पहनाएंगे। और उनकी ऐसी कोई भी चोरी नहीं है जो आज तक सक्सेसफुल हुई हो। ऐसा बर्बाद पहन चोर। अरे ये क्या कर रही हो तुम, क्यों उतार रही हो, जल्दी उतारो इसको, डन का क्यों बना दिया मुझे। और इसे देखो मां से वो बुलेट की बेचारे उसके कपड़े उतारे जा रही है और वो बड़े आराम से दरवाजे जा रहे उतार दे। लड़की यहाँ पर भी पुलिस वाला खड़ा हुआ था, कहाँ है वो? अरे कौन था सब्जी वाला, चलो। हाँ वो वहां से आए हैं बंदूक लेके, AK-47 .22 .22 और वो गन है भाई। भाई बंदूक तो ले लेते, नकली ले लेते, मुझे भी बता, वो तो वीडियो है। पर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां से ना बोला कि कहाँ गया वो पुलिस वाला और इन बहन जी को क्या समझ में आ रहा है कहाँ गया वो सब्जी वाला। क्या मैडम आपके साथ चलता हूँ? अबे भाई तू पुलिस वाला है ना, कोई कोई फट्टू भाई, तू अपनी रक्षा स्वयं की नहीं कर पा रहा, तू दूसरों के घंटा करेगा तू रक्षा? कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और उसकी भी कोई फैक्ट्री नहीं है, उसका भी चोरी का बिजनेस है, या तो उसके साथ चोरी कर ली हो तू। और रही बात हमने नवनीत भाई की, तो नवनीत भाई कुछ करते नहीं है इन वीडियो में, क्योंकि उनको पता है ये गंद मैं दूसरों को फैलाने दूंगा, खुद नहीं फैलाऊंगा, खुद सामने फेस नहीं करूंगा उस गंद को, इसीलिए वो दूसरों को कैरेक्टर दे देते हैं कि तुम इस चीज को करो, मैं नहीं करूंगा, मैं इस गंद से दूर ही रहूंगा। तो बेचारी मेघा दीदी फंस जाती है, उनको कटवा देते हैं। ये गए सारे ब्लेड तो भाई ने दाल में ब्लेड मिला दिए जहर की जगह, भाई वो घुल भी गए, उसने घुल दी और वो ब्लेड घुल भी गए और वो दाल खाएगी और मर जाएगी। भाई वो जहर था या ब्लेड, अटकेगा थोड़ी उसके ब्लेड जाते में, अगर वो कोर भी उठाएगी तो दिखेगा थोड़ी, कोर थोड़ी हो रहा है, वो ब्लेड थोड़ी हो रहा है, वो तो घुर गया उसमें। अब भैया यार कहाँ से दिमाग ला रहे हो तुम लोग इतना? हाँ इस हिसाब से तो जहर वालों की दुकान बंद हो जानी चाहिए, वो तो ब्लेड और चक्कू ही मिला लेंगे, जहर की तो बात ही खत्म। ये लो तुम्हारे लंच का टाइम हो गया, अभी तुमने थोड़ी देर पहले दवाई भी ली है, और डॉक्टर ने कहा कि खाने को टाइम टाइम खाना, तुम पता नहीं खाने पे ध्यान ही नहीं दे रही हो, जल्दी खाओ। रुको आगे खाना नहीं खा सकती क्यों डॉक्टर, क्योंकि इस खाने के अंदर ब्लेड है। ठीक है यहां पे बांधना खाता था डिब्बा को, सर आ जाइए आप। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे वाह मेघा दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, उस लड़की को तो पता ही नहीं पड़ेगी कि दाल में ब्लेड है या जहर है ना, और वो बेचारी खा भी लेगी, और उसने बंदे ने मान भी लिया कि हाँ इसमें ब्लेड मिलाया हुआ, मैं इसे मारना चाहता हूँ। अबे यार क्या क्या किच्चू चूतिया बंदी है बिल्कुल। अरे भाई को तो यार पैसे चोरी हुए, भाई थोड़े से बावले थे या बावली थे, इन्हें को पता ही ना पड़ा बैग की चेन भी लगानी होती है भाई। फ्री के कैसे देता हूँ ना, एक सेकंड, मेरे से पैसे नहीं मांगते, और मैं जब मॉल में आया था तो पैसे लेकर आया था बैंक से, पहले तो धीरे बोलिए, मैंने बोला ना यहाँ पर मैनेजर नहीं है, आज एक रात में मॉल में शॉपिंग करके आया था और मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे निकाल के लाया था 10 लाख रुपए, नहीं है सर। और भाई ने पहले बोला था कि 5 लाख रुपए, और भाई स्क्रिप्ट भूल गए तो उन्होंने बोल दिया 10 लाख रुपए। अरे नवनीत भाई अपने थोड़े चेलों को थोड़ा सा ज्ञान तो दे दिया करो कि स्क्रिप्ट को सही से याद कर ले। वॉलेट चोरी हुआ ना, ये ना मानूंगा भाई साहब, तुम्हारे पैसे थोड़ी चुराए उन्होंने, उन्होंने तो तुम्हारा केवल फोन चुराया, हमने भी देखा, और इन वाले बगल वाले भैया का भी चुरा लिया हो वो ना देखा हमने, और खुद ऐसे जाके लेट गई है जैसे कि ये चोरी ना बड़े आराम से। आहा अबे भैया जब चोरी करनी होती है तो लेके भग लिया करो ना बाहर को, बस में ही सो जाते हो तुम लोग, चोरी करना भी तो सीख लो। नवनीत भाई यार तुम चोरी करने के लिए स्क्रिप्ट सही से दो यार, इन्हें हर बार पकड़ी जाती है, हैं यार एक आध स्क्रिप्ट सही से दे दो जिसमें ये चोरी में सक्सेसफुल हो जाए, यार हर बार चोरी में पकड़वा देती है, एक आध तुम्हारा ड्रामा यार, तुम्हारी स्क्रिप्ट चल रही है उनका कुछ ना,
वो बेचारी हर बार पिट जा मैं। ये मार मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार दे हटाओ उसका ये सब तीन तप्पट। अरे ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि मेघा दीदी ने चोरी छोड़ के अब पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली है, अब चोरी नहीं करती है दीदी। और चल 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 निकल यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे? मैडम क्या हुआ? परमिशन है मेरे पास? सामने वाले जो घर वाले हैं ना, उनसे मैंने पूछ लिया था। सरकारी नौकरी ना परमिशन ली जाती है, यहाँ पर लगाना है ना परमिशन ले। सरकार हर चीज का टैक्स लेती है, थोड़ा पैसा कमाते हैं तो उसमें भी टैक्स भरते हैं। रेड़ी वाले सब्जी वाले हाँ ये तो मानेंगे कि सरकार हर चीज का टैक्स लेती है, पर भाई ये तो देख ले उसकी दुकान है भी तो कहाँ पे। नवनीत भाई ने इसीलिए बेहड़ में जाके दुकान खोली है, वो भी दुकान नहीं है खोखा है। तुम इस पैसे भी चंदा लेने आ गए? माइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 5,000 रुपए बहुत कम है, अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? भाई साहब ये हफ्ता मांग रहे हैं पूरी साल भर का राशन। भाई साहब 5,000 रुपए और वो भाई साहब दे भी दे देते हैं कि लो 5,000 रुपए। वाह ये इनका अच्छा ही रोना है। तो गाइज ये वाली वीडियो केवल फन वे के लिए थी, और नवनीत भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, और सभी को दिल से राधे राधे और हैप्पी महाशिवरात्रि, क्योंकि महाशिवरात्रि जल्द आने वाली है। तो बोलिए बम बम बोले।